अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जॉक्टिव रिव्यू सीरीज। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे वो है वैगनर। वैगनर जिसको पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है डब्बा। पाकिस्तान में वैगनर ने 3 वेरिएंट लॉन्च किए थे, इसमें एक VX था। मैं कट रहा लो यार। वैगनर सुजुकी ने पाकिस्तान में 2014 में लॉन्च की थी, जिसमें एक VX वेरिएंट था, एक VXR वेरिएंट था और एक VXL वेरिएंट था। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे वो है VXL, जिसका मॉडल 2019। ये गाड़ी जो है जापान में 18 साल से चल रही है, लेकिन जापान में जो इसका वेरिएंट कामयाब है वो 660 सीसी के साथ है जो ऑटो में आती है, और पाकिस्तान में लॉन्च नहीं की गई। जो इम्पोर्ट का मॉडल था उसमें बैक स्क्रीन में विंड वाइपर दिया गया था और आम वेरिएंट में विंड वाइपर नहीं दिया गया। VXR और VXL वेरिएंट में फ़र्क ये है कि VXL वेरिएंट जो होता है फुल ऑप्शन होता है, उसमें आपको अलॉय रिम मिलते हैं, उसके बाद उसका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, उसके बाद उसके अंदर क्या कहते हैं आपको पावर विंडोज़ मिलती हैं, आपको कीलेस एंट्री मिलती है, और यही चीज़ें VXR मॉडल में नहीं होती। अब चलते हैं बाकी रिव्यू की तरफ। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अच्छा जी, इसके फ्रंट लुक में आ जाए। फ्रंट लुक में अव्वल तो एक गाड़ी की शेप एक डब्बे जैसी है, इसके फ्रंट को नाम लिया जाए। अगर इसका फ्रंट आगे से इसका फ्रंट इस गाड़ी की मेन लुक निकालता है, इसके फ्रंट में आपको मिल जाती है क्रोम स्ट्रिप, साथ सुजुकी का लोगो मिल जाता है, साथ ग्रिल मिल जाती है रेडिएटर की, यहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी सी फाइन क्वालिटी की आपको ग्रिल मिल जाती है। उसके बाद इसके हेडलाइट में आ जाए, यहाँ पे आपको मिल जाता है इशारा, ये आपको यहाँ मिल जाती है पार्किंग लाइट, और यहाँ मिल जाता है आपको हैलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट। इसमें सिर्फ हैलोजन आती है, ना इसमें LED लाइट आती है, ना कोई दूसरी भी आती है, इसमें सारे बल्ब हैलोजन है। उसके बाद आपको नीचे मिल जाते हैं फॉग लैंप्स, जो आपको सुजुकी नहीं देता लेकिन उसकी जगह देता है, आप इसमें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। साइड पे आए तो इसमें 13 इंच का एलॉय रिम आते हैं 13 इंच के। जहाँ तक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 170 mm की है। अव्वल तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये गाड़ी फुल लोडेड हो फैमिली के साथ, यानी कि 5 बंदे बैठे हों, तो ये गाड़ी ब्रेकर पर लगती है। वो क्यों? क्योंकि इसके टायर बहुत छोटे हैं। इसकी मोस्टली चीज़ जो लगती है वो सारे नीचे से पैनल्स हैं। उसके बाद अगर इसके साइड मिरर में आए तो इसका इतना बड़ा साइड मिरर है कि एज अ साइड मिरर और एज अ ड्रेसिंग टेबल भी ये यूज़ हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उसके बाद इसकी जहाँ तक हाइट में आए तो इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, यानी कि कोई लंबी कद का बंदा जिसकी 6'4" 6'3" होती है वो भी ईजिली बैठ जाता है। साइड पर आए तो साइड पर आपको यहाँ पर अगर पता चल रहा हो तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी शेप मिल जाती है, तो गाड़ी को बिल्कुल यानी कि एक बॉक्स के अपेयरेंस से, एक कार के अपेयरेंस में लेके आती है। बैक साइड पे आए तो बैक साइड पे आपको यहाँ मिल जाती है रिवर्स लाइट, बैक लाइट, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। यहाँ पे VXL आपको वैगनर के टैग्स वगैरह मिल जाते हैं। पीछे आपको मिल जाती है क्रोम स्ट्रिप और बहुत ही वाइड एंगल का शीशा मिल जाता है। इसके बूट स्पेस में तो इसके बूट स्पेस में इतनी जगह आती है कि आप 4 से 5 बड़े बैग ईजिली रख सकते हैं। इसकी सीटें आगे हो जाएंगी, और सीटें आगे होने के बाद यहाँ पर आपके यानी कि अच्छी खासी स्पेस आ जाएगी। ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी बेस्ट है, यानी कि अगर आपने सामान वगैरह ज़्यादा लेके जाएं तो। ये हमने स्पेशल इसका वो फेस उतारा था। सब में आते हैं हेल्ज बल्ब। यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक इसका 35 लीटर का होता है, और ये गाड़ी की साइड है। ये गाड़ी बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं है। लेकिन ये गाड़ी सिर्फ एक चीज़ से मार खाती है, वो ये कि इसकी जो हाइट है वो बाहर देखने में तो अच्छी है, लेकिन जब इसमें फुल गाड़ी लोडेड होती है तो गाड़ी ब्रेकर पे बहुत ज़्यादा लगती है, जिसके इसके सारे पैनल्स होते हैं ये टूट जाते हैं नीचे से। इसका फ्रंट डोर जो है वो पिछले डोर से थोड़ा सा बड़ा साइज़ में, लेकिन एक लंबी कद का बंदा आराम से इजली बैठ सकता है। आ गए तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर,
जहाँ तक छत की बात की जाए, छत पे अगर आपको नज़र आ रहा तो यहाँ पे आपको चार लाइंस मिल जाती हैं जो कि एक स्पॉटी से शेप दी गई है। ये गाड़ी ना एसयूवी में आती है ना सेडान में आती है, इस सेगमेंट की जो गाड़ी होती हैं वो आती हैं हैचबैक में, और ये वैगनआर हैचबैक है। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इसके इंजन पे आए तो इसमें आपको मिलता है 1000 cc का इंजन, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 1998 cc होती है, जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसकी हॉर्स पावर की बात की जाए तो 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है ये, 90 Nm इसकी टॉर्क होती है, और ये पेट्रोल इंजन होता है जो आपको बड़ी अच्छी एवरेज दे देता होता है लॉन्ग पे भी और सिटी के अंदर भी। ये है इसकी चाबी, क्योंकि इसमें आती है कीलेस एंट्री, और VXR वेरिएंट में कीलेस एंट्री नहीं आती। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर रिव्यू की तरफ। इंटीरियर में सबसे पहले आपको मिल जाते हैं सेंट्रल लॉकिंग, उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे पावर विंडोज़ के दो बटन इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसका अगले जो दो दरवाजे हैं वो पावर विंडो पे हैं, और जो पिछले वो दो दरवाजे हैं वो जो सिंपल हाथ से घुमाने वाला नहीं होता शीशा, वो है। साथ इसमें मिल जाते हैं आपको स्पीकर, वैसे तो इसमें चार स्पीकर आते हैं लेकिन इसमें जो वर्किंग होते हैं वो अगले दो ही होते हैं, पिछले दो स्पीकर दिए होते हैं उनका कनेक्शन कराना पड़ता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है जगह कुछ चीज़ वगैरह रखने की, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी जगह है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़बरदस्ती दरवाजे के अंदर सीट काट के ना जगह बनाई गई है। यहाँ पे आपको मिला दरवाज़ा पकड़ने के लिए, और इंटीरियर में आते साथ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे एयर विंड, इसके दो एयर विंड ये सेम है, और जो साइड के हैं वो दोनों यानी कि थोड़े से ओवल में थोड़े से स्पॉटी शेप में दिए गए हैं। यहाँ पर मिल जाता है आपको हीटर का बटन, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है एक्स्ट्रा। इसमें एडिशनल अगर आपने फोग लाइट्स वगैरह लगवानी है तो वो भी लग सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेयरिंग। जहाँ तक लेग स्पेस की बात की जाए तो लेग स्पेस इतनी ज़्यादा है कि मैं ईजी यानी कि ईजिली होकर बैठ सकता हूँ, कोई लंबी हाइट का बंदा भी ईजिली बैठ सकता है। इस साइड की भी आप लेग स्पेस देखें तो इतनी जगह है कि यानी कि कोई 6 feet या उससे लंबा बंदा तो ईजिली बैठ देगा। लंबी हाइट के बंदों को मैं इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी वैगन टाइप है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसमें बड़े कद के आदमी आराम से सफ़र कर सकते हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है वैगनआर का मीटर, यहाँ पे ट्रिप ए बी और फ्यूल आपको शो होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूएसबी स्लॉट मिल जाता है, इससे आगे जाएँ तो एयर विंड आपको मल्टी क्या कहते हैं मीडिया मिल जाता है। यहाँ पे इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, ऑक्स की ऑप्शन मिल जाती है, यूएसबी की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे एसी मिल जाता है, यहाँ पे फ़ैन की स्पीड मिल जाती है, यहाँ पे आपको एयर विंड्स की स्पीड मिल जाती है, ये फ्रेश एयर का बटन मिल जाता है यहाँ पे, ये भी एनालॉग बना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गियर ट्रांसमिशन मिल जाता है, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, डैशबोर्ड का जो होता है ड्रॉ वगैरह। ऊपर की बात करें तो शेड्स में आपको यहाँ पे कोई शीशा नहीं मिलता, इस साइड पे भी कोई शीशा नहीं है। यहाँ आपको सिंगल लाइट मिल जाती है क्योंकि इसके रूफ़ में और कोई लाइट नहीं है, सिंगल लाइट मिल जाती है। उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छी अच्छी यानी कि लेग रूम बहुत इसका खुला डुला है। इस साइड पे है तो इस साइड पे भी आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, ये दरवाजे को पकड़ने के लिए ये जगह मिल जाती है, नीचे सामान रखने के लिए थोड़ी बहुत ये एडिशनल जगह मिल जाती है। और इसका एक बड़े मज़े का फीचर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस सीट पे आए तो आप फ्रंट सीट की पैसेंजर सीट को देखें तो यहाँ पे आपको एक बास्केट मिल जाती है, यानी कि इस बास्केट में आप अपना सामान वगैरह जैसे कागजात वगैरह पड़े हैं आप इसमें अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये आपको यहाँ पर सीट बेल्ट मिल जाती है, यहाँ पे आपको सीट ऊपर नीचे करने के लिए ना ये इसका मैनुअल फंक्शन मिल जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे के लिए, नीचे से आगे पीछे होगी, यहाँ से सीट ऊपर नीचे होगी। और अब हम चलते हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड में साथ ही आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हाथ रखने की जगह मिल जाती है, ये आपको मैनुअल मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले दो शीशे जो होते हैं वो पावर विंडो हैं लेकिन पिछला शीशा मैनुअल होता है। बैक साइड पे आपको दो स्पीकर मिल जाते हैं, एक ये स्पीकर है एक ये स्पीकर है, लेकिन ये स्पीकर कनेक्टेड नहीं होते, ना स्पीकर होता सिर्फ इसकी वायरिंग करनी पड़ती है, सुजुकी आपको वायरिंग करके इसकी नहीं देती। इस साइड पे आपको बैक पॉकेट्स मिल जाती हैं, और पिछला लेग रूम देखें अगले से थोड़ा सा कंजस्टेड है लेकिन ये भी काफ़ी खुला है। ऊपर से छत देख सकते हैं कि मेरा यानी कि काफ़ी गैप है। सुजुकी क्लेम करता है कि ये गाड़ी 5 persons के लिए इनफ है, लेकिन अगर 5 बड़े बंदे हैं तो मुश्किल से जाएंगे क्योंकि 2 तो आगे आ जाएंगे और पीछे भी 3 फंस के ही आएंगे। 5 अगर बच्चे हैं तो शायद 5 आ जाएं लेकिन 3 फंस के आएंगे। यहाँ पे आपको एक होल्डर कप होल्डर मिल जाता है और एक कप होल्डर आपको इधर मिल जाता है गियर के आगे, जैसे कि ये है। उसके बाद बैक साइड पे हैं तो बैक साइड पे आपको मिल जाते हैं चाइल्ड लॉक, और पीछे भी स्पीकर कोई नहीं दिए गए। और अगर आपने इसकी बूट की आगे जगह चाहिए तो ये सीटें फोल्ड हो जाती हैं और पीछे अच्छी अच्छी आपको स्पेस मिल जाती है।
बाकी ये सारा इंटीरियर व्यू है इसका, और सिंगल रूफ है, यानी कि इसकी छत भी अच्छी है। और इसमें आपको सिर्फ ये तीन मिलते हैं हैंडल्स, ड्राइविंग साइड का नहीं मिलता जिस तरह के होंडा में होते हैं। तो अब चलते हैं इसकी ड्राइव की तरफ। तो जी अब इसकी आते हैं ड्राइव की तरफ। सबसे पहले इसको चेक करते हैं खींच के कि इसकी यानी कि पहले के में कितनी पावर है। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ तक पावर रिस्पॉन्स की बात की जाए तो वो तो अच्छी है, यानी कि मुझे कहीं पे भी लैग फील नहीं हुआ। जहाँ तक ड्राइव की भी बात की जाए तो ड्राइव इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा है उस हिसाब से। स्टेडिंग इसका अलबत्ता मुझे थोड़ा सा हैंडी लग रहा था, यानी कि जो छोटा सा नहीं होता, यानी कि आप ईज़िली आप वन हैंड से भी ड्राइव कर सकते हो। जहाँ तक बात की जाए इसकी एसी की, इसका एसी बहुत अच्छा है, यानी कि आउट क्लास से मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर आप गर्मी में पूरा दिन वैगनआर में एसी चला के रखो तो कहीं पे भी एसी, ये नहीं कि गर्म हो आप हैं कि कहीं पे भी आपको फील हो के जनाब एसी सही नहीं चल रहा। एसी माशाल्लाह इसका आउट क्लास है, इस हिसाब से मैं यानी कि मैं कहता हूँ कि भाई जान हाँ इसका एसी वर्थ इट है। और जहाँ तक इसके कम्फर्ट लेवल की बात की जाए तो मैं इसके कम्फर्ट लेवल को 10 out of 8 में ग्रेड करूँगा, क्योंकि हाँ ये रोड भी थोड़ी सी बम्पी है और मुझे इतना फील भी नहीं हो रहा बम्प्स वगैरह, यानी कि इतना फ़र्क नहीं फील हो रहा। बाकी ड्राइव इसकी माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि अब ये हैचबैक है, हैचबैक में आपको इस तरह का ही मिलता है व्यू वगैरह। अब सेडान नहीं है कि आप बिल्कुल ही लेट जाओ और आपको ईजी यानी कि ओके चलाओ लेट की, लेकिन हाँ ठीक है उस हिसाब से अच्छी है। अब ये जैसे कि 19 मॉडल VX वेरियंट है VXL, तो जहाँ तक इसकी प्राइस की बात की जाए, इसकी प्राइस आपको 18 से 20 लाख के बीच में कॉस्ट करेगी यूज़ गाड़ी की। और अगर नई गाड़ी की हिसाब से देख लें वो कहाँ 22-23 पे बात पहुँच जाएगी। इसमें जो आपको बेसिक यानी कि अगर 14-15 मॉडल में भी जाएं आप तो वो आपको तकरीबन 15-17 लाख रुपया कॉस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन वगैरह। जहाँ तक इसकी एवरेज की बात की जाए तो जनाब ये शहर में आपको 15-16 दे देगी नॉर्मल फुट पर, और अगर लॉन्ग की बात की जाए तो यही गाड़ी आपको 17-18 अगर प्यार से चलाने वाला होगा पांचवे गियर पर रख के, अगर यानी कि 100 से नीचे ही रहता है तो ये आपको 20 तक भी दे देगी। फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से गाड़ी बहुत बेहतरीन है, यानी कि आपका इतना पेट्रोल भी नहीं खाएगी, पैसे बचाएगी। हाँ बस एक गाड़ी में इसमें बुरी चीज़ लगती है मुझे, वो कि ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं 100 में से इसको दूँगा 60%, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बुरी है। ये सुजुकी ने गाड़ी तो अच्छी बनाई है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की है। इसमें कोई एयर बैग भी दिया गया है आपको, और इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी कि खुदा नास्ता साइड से कोई भी गाड़ी लगती है, यानी कि कोई क्रोला या होंडा वगैरह, तो ये गाड़ी उस दरवाजे वाली साइड से या उस फेंडर साइड से पूरी अंदर क्रश हो जाएगी। इस गाड़ी के क्योंकि टायर भी बहुत पतले हैं तो उठने के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस गाड़ी पे आप कटिंग वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि इस गाड़ी के साथ खेल नहीं सकते। ये गाड़ी बेसिकली ना आप कह लो कि फिर वुमेंस कार है ये, आप इसको दूसरी कार की तरह ना यानी कि हार्ड हैंड्स पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपनी जान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप इसकी तरफ चल जाए, नहीं तो अव्वल तो मैं आपको कहूँगा कि आप यानी कि क्योंकि सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान की जान के लिए, तो आप इस गाड़ी को प्रेफर ना करें। और वैसे भी जिस प्राइस रेंज में है तो वो आउट ऑफ बजट निकल जाती है, समझ में नहीं आती। तो यार हर बंदे की अपनी होती है। हाँ अगर शहर में आपने आराम से चलानी है तो उसकी ले लो, नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, एसी बहुत अच्छा है इसका, इसमें इंजन भी अच्छा है, लेकिन एड एंड बार आ जाती है बिल्ड क्वालिटी पर। तो खैर वो अब आपका फैसला है। तो जी यहाँ पे करते हैं हम इस रिव्यू को ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो कुछ भी है कर दो यार। और इस तरह के मज़े के रिव्यूज़ आपका भाई आपके लिए आता रहेगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।